हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्वेश्चन कर रहे थे। और लास्ट टाइम आपको मैं क्वेश्चन बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन पे, जो वेस्ट क्वेश्चन था, सही है, पावर एन वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, सही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है, सही है, देन प्रूफ दैट ए पे पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और क्या कॉस एन थीटा, सही है, कॉस एन थीटा, ये प्रूफ करना है, सही है, ए पे पावर एन की वैल्यू। क्लियर हो? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले तरीके से करते हैं। मैं आपको दो तरीका बताया था, एक तो बताया था कि भाई इसका ए स्क्वायर निकाल लो, एक क्यूब निकाल लो, अगर स्क्वायर में यहाँ पे टू आ जाए, क्यूब में यहाँ पे थ्री आ जाए, तो जनरलाइज कर देना, हाँ भाई ऐसा ही होगा ए पे पावर एन भी। और इंडक्शन क्या बोलता था, इंडक्शन में क्या करते थे, इसको पी एन एज्यूम करते थे, क्या पी एन, ये वाले को लेट पी एन क्या एज्यूम करते थे, ए पे पावर एन इज इक्वल टू क्या कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, सही है, माइनस साइन एन थीटा और क्या कॉस एन थीटा, सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करते थे इंडक्शन में, एन इज इक्वल टू वन के लिए अपन चेक करते थे ट्रू है फॉल्स, सही है, तो क्या लिखोगे, फोर एन इज इक्वल टू क्या वन, एन इज इक्वल टू क्या वन, एन की वैल्यू वन रखोगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगा कितना कॉस थीटा, एन की वैल्यू वन रखो, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ क्या कॉस थीटा, सही है, क्लियर हो? देख लो भाई, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते थे इंडक्शन में, सर हम लोग पीके को ट्रू मानते थे, सही है, क्या लिखते थे सर, लेट पीके इज क्या ट्रू, पीके को क्या मानते थे, पीके जो है वो क्या है ट्रू है। पीके मतलब क्या सर, पीके का मतलब होगा ए पे पावर के, पीके का मतलब क्या होगा ए पे पावर क्या के, तो ए पे पावर के की वैल्यू कितना होना चाहिए, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और क्या कॉस के थीटा, ये किसी वैल्यू होना चाहिए ए पे पावर के की। अब इसके बाद अपने क्या प्रूफ करना रहता था, यूजिंग दिस वी हैव प्रूफ दैट पी के प्लस वन इज क्या ऑल्सो टू, सही है। नाउ वी हैव प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव प्रूफ दैट पीवीटी मतलब प्रूफ दैट पी के प्लस वन इज क्या ऑल्सो ट्रू, सही है, पी के प्लस वन भी क्या है ट्रू है। अब पी के प्लस वन ट्रू है इसका मतलब क्या, ए पे पावर के प्लस वन की वैल्यू कितना आना चाहिए, कॉस के प्लस वन साइन के प्लस वन माइनस साइन के प्लस वन और क्या कॉस के प्लस वन, है ना, तो देयर फोर ए पे पावर के प्लस वन की वैल्यू आप निकालोगे, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे ए पे पावर के प्लस वन को, सर इसको लिखेंगे ए पे पावर के मल्टीप्लाइड बाई ए, यही ना, सही है। मैट्रिक्स में आप ऐसा कर सकते हो, मैट्रिक्स में अगर ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन लिखा हुआ है तो इसको ए पे पावर एम प्लस एन लिखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं बीच बीच में डिस्कस करते आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि लास्ट में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ढंग से याद हो जाए, सही है। तो ये क्या जाएगा, इसको लिखा जाएगा ए पे पावर के इंटू क्या ए, सही है। अच्छा, ए पे पावर के की वैल्यू क्या है भाई, ए पे पावर के है सर अपना कॉस के थीटा, सही है, साइन के थीटा और क्या माइनस साइन के थीटा और क्या कॉस के थीटा, सही है, देख लो। और ये क्या है, ये है सर अपना कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, देख लो भाई। अब दोनों क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई, दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, हाँ सर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, चलो करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये जो कस टू आ जाएगा कितना कॉस के प्लस वन थीटा कॉस के थीटा सॉरी कॉस के थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, सही है, और क्या आ जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू क्या साइन थीटा, सही है, देख लो सही है। अच्छा, अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा सर कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू क्या साइन थीटा और इधर लिख रहा हूँ प्लस, कितना आ जाएगा साइन के थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, सही है, देख लीजिए, देखो मिलाओ भाई, सही है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करो ये वाले को,
तो ये वाले को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों माइनस आ रहा है, माइनस को बाहर निकाल लो तो आ जाएगा ये कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा को आगे लिख दिया, सही है। देखो भाई दोनों माइनस आ रहा है क्या, हाँ दोनों में शायद माइनस आ रहा है, एक मिनट कोई गलती नहीं हुआ है, देख चेक कर लो, कॉस के थीटा साइन के थीटा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ होगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा ना, यहाँ पे आएगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। प्लस क्या जाएगा, कॉस के थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, सही है। अच्छा अब आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट वाले को, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस वाले को आगे लिख दे रहा हूँ, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, फिर हो जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। देख लीजिए भाई यहाँ तक कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ जो रेड कलर में लिखा हुआ है, सही है, पॉज करो स्क्रीन और लिख लो इसको। अब ध्यान देना, अब क्या लिखोगे, सर यहाँ पे है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, हाँ सर ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, तो थीटा कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा। और अगला क्या हो जाएगा भाई, अगला देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो ये भी हो जाएगा साइन के प्लस वन थीटा, वैसे यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और माइनस तो पहले से था ही, और क्या के प्लस वन थीटा, वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, सेम चीज़ लिखा हुआ है कॉस के प्लस वन इंटू थीटा, सही है, क्लियर हो। तो इसका मतलब क्या लिखोगे सर, देयर फोर पी के प्लस वन इज क्या, ट्रू, पी के प्लस वन इज क्या, ट्रू। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस वी से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस वी से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं पी एन इज ऑल्सो ट्रू, पी एन इज, पी एन वी क्या है, ट्रू है, क्लियर हो, पी एन वी क्या है, ट्रू है, खत्म। देख लीजिए यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पी एन वी क्या है, ट्रू है, क्लियर, लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो मिटा रहा हूँ। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इंडक्शन का यूज करते हुए आप बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों की दिक्कत नहीं है। और एक और तरीका बताया कि पावर टू निकाल लो, पावर थ्री निकाल लो, जनरलाइज कर सकते हो, सही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेगा तो उसमें इंडक्शन मत लगाना, सही है, यही तरीके से आगे बढ़ना, स्क्वायर क्यू और निकाल कर, क्लियर हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप करें आराम से, क्वेश्चन हो जाएंगे बुक से या आपके पास जो भी बुक हो उससे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखिए एक क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में, क्लियर, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ अंडर विच कंडीशन, क्वेश्चन ये है अपना, अंडर विच कंडीशन, किस कंडीशन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कंडीशन होगा ताकि मैट्रिक्स में है ना, फोर मैट्रिक्स वेयर ए एंड बी इज मैट्रिक्स, वेयर ए एंड बी इज क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पूछा जा रहा है किस कंडीशन में ए प्लस बी इंटू मैट्रिक्स में ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा तो हमेशा होता है सर नहीं, मैट्रिक्स में नहीं होता भाई ऐसा, सही है, कैसे, चलो देखो गिवन क्या है, पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्व टू क्या, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। इसका मतलब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तरीके से मल्टीप्लाई करना, a इंटू ए स्क्वायर, सही है, और ये हो जाएगा माइनस ए बी, जो पहले है उसको पहले ही लिखना ना, जैसे यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी ए, बी को आगे ही लिखेंगे, ये सब ध्यान रहे, और क्या माइनस बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत? ए बी को उधर लेके जाइए प्लस हो जाएगा, तो देयर फोर बी ए इज इक्वल टू क्या ए बी, अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी रहा तब ऐसा आप लिख सकते हो, सही है, बी ए ए बी इज इक्वल टू बी ए रहा मैट्रिक्स में, रहा होता नहीं जनरली, ठीक है, तब आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो सर, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। चलिए आगे हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सही है, किसका प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, सही है। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपसे डिस्कस हो चुका है, लगभग सारी बातें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, पहली प्रॉपर्टी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर हो। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, यानी मैट्रिक्स कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, मैट्रिक्स में ए इंटू बी सी रहा तो इसको ए बी इंटू सी लिख सकते हो, मतलब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं या ये दोनों करूं कोई दिक्कत नहीं है, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तब, ऐसा नहीं कि हर केस में, क्लियर हो। तीसरी बात कि a इंटू बी प्लस सी रहा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन a आगे ही रहेगा, बिकॉज a आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सही है। और एक और चीज़ इसमें लिख सकते हो, ऐसा b प्लस सी इंटू ए रहा तो इसको ऐसा लिख सकते हो सर, बी ए प्लस क्या सी ए, क्लियर हो, ये अलग बात है, वो अलग बात है, क्लियर हो, सही है, हाँ सर। चौथी बात, अगर मैट्रिक्स में ए पे पावर m रहा, क्या रहा, ए पे पावर m, सही है, तो ए पे पावर m रहा तो इसको क्या लिख सकते हो सर, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितना टाइम्स, m टाइम्स, कितना टाइम्स, m टाइम्स, क्लियर हो। पांचवी बात, मैट्रिक्स में a पे पावर m इंटू a पे पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a पे पावर क्या m प्लस n। छठवीं बात, a पे पावर m पे पावर n है तो इसको a पे पावर mn लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवीं बात, सही है यहाँ तक देख लो, सातवीं बात ये है, सुन लीजिए कि अगर कोई i यूनिट मैट्रिक्स है, i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इस पे कोई पावर m है, सही है, i को मैट्रिक्स में आप समझने के लिए वन टाइप का समझ सकते हैं, किस टाइप का, कि i का मैट्रिक्स में क्या रोल है, वन टाइप का रोल है, क्लियर हो, वन जैसा, तो i पे पावर m रहा तो क्या हो जाएगा, वो i हो जाएगा, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, सही है। अच्छा आठवीं बात, कोई मैट्रिक्स का आई के साथ प्रोडक्ट या फिर आई इंटू ए, मतलब आई का कोई मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट है, सही है, तो वो कॉम्युलेटिव होता है, और दैट इज इक्वल टू क्या, ए, किसके इक्वल होता है, ए, मैं तो बोला आपको वन टाइप समझो, सही है, किस टाइप समझो उसको, वन टाइप का, ये कैसा है, वन टाइप का है नेचर में, सही है। नौवीं बात कि अगर मान लो कि बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, इनके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाया गया है, ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए बी सी कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही है, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो अलग अलग डिटर्मिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और पूरे प्रोडक्ट का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया है, ध्यान दें, सही है, कि भाई a पे पावर m है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर m लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से, सही है, यहाँ तक लिखिए, सही है, स्क्रीन पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ। चलिए एक आध दो बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, ये सबको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज काम देंगे, बहुत काम के होते हैं प्रॉपर्टीज, सही है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन जनरली प्रॉपर्टी से ही बनाया जाता है, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिकल ही पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपको ज़्यादा घुमाया फिराया जाएगा, ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें घुमाए फिराए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते ऐसे, क्लियर हो, हाँ सर, अच्छा ठीक है,
यहाँ तक कोई समस्या अपने को नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे देखिए। ठीक है, मान लो कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड साथ साथ ये भी है उसमें कि ए बी इक्वल टू बी ए बोल दिया गया है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ना। ए बी इक्वल टू बी ए है उसने बोला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या है? बी ए है। देन अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी पे पावर एन है, तो इस पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो। क्या लिखोगे इसको? एन सी जीरो, एन सी जीरो, ए पे पावर क्या? एन, और बी पे पावर क्या है? जीरो। एन सी वन, ए पे पावर क्या? एन माइनस वन, और बी पे पावर क्या? वन। फिर क्या? एन सी टू, ए पे पावर एन माइनस टू, बी पे पावर क्या? टू। एंड सो ऑन। प्लस एन सी एन, ए पे पावर एन माइनस एन, जीरो, सही है, और बी पे पावर क्या हो जाएगा? बी पे पावर जीरो, मतलब इसको वन बोल सकते हो। ठीक है, इसको हटा सकते हो आप, हटा दो इसको, सही है, यहाँ से इसको हटा दो। इसको लिखोगे एन सी एन इंटू क्या? बी पे पावर क्या? एन। ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, साथ साथ ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। भैया ये इंपॉर्टेंट बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहेगा, ठीक है, सही है, और ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए, तभी आप बाइनोमियल लगा सकते हो ऐसे केसेस में, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं अपन, कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे सी बी एस ई के सिलेबस में है नहीं, सही है, जेई वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, छोटे छोटे नाम है, नेमिंग है, टर्म्स है, जिनको याद रखना है आपको। पहला नंबर लिखें, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडेम्पोटेंट, इडेम्पो टेंट मैट्रिक्स, सही है, क्या? इडेम्पो टेंट मैट्रिक्स, सही है, नाम थोड़ा टेढ़े हैं तो इनको आप याद रखेंगे। इडेम्पो टेंट होता है अगर ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए हो जाए और एन की वैल्यू टू या टू से बड़ा हो, अगर वन रहेगा तब तो वो ए है ही, ठीक है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इडेम्पो टेंट। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, नील पोटेंट मैट्रिक्स, सेकंड नंबर, नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें ए का कोई भी पावर क्या होना चाहिए? जीरो। नील मतलब जीरो, कितने हो नील, उसको क्या बोलते हैं? नील पोटेंट मैट्रिक्स, सही है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए ना मैट्रिक्स, वो तो हेडिंग ही है। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स, इन वोल्यूट्री मैट्रिक्स, इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई, मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाना चाहिए इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स में। ये सब टर्म्स हैं, नाम हैं, जिनको याद रखना है। इडेम्पोटेंट में ए का कोई भी पावर ए के इक्वल होगा, नील पोटेंट में ए का कोई भी पावर जीरो के इक्वल हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के, इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर आई के इक्वल होता है। अब सुन लो मेरी बात, मान लीजिए कि इसी में पूछ दिया कि मैट्रिक्स इनवोल्यूट्री है, मैट्रिक्स क्या है? इनवोल्यूट्री। अब इनवोल्यूट्री है तो ए पे पावर थ्री को क्या लिखोगे? सर ए पे पावर थ्री को लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और ए स्क्वायर के लिए की वैल्यू क्या आ जाएगा? आई, किसके लिए? फोर, इनवोल्यूट्री के लिए, सही है, लिख सकते हैं ना भाई? हाँ सर, तो ए इंटू आई क्या हो जाएगा? ये तो आई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि भाई ए पे पावर फोर बताओ, ए पे पावर क्या बताओ? फोर, तो इसको क्या लिखोगे? या तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दो, या फिर ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे, सही है। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या? आई, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई। ऐसे ए पे पावर फाइव निकालोगे, ए पे पावर क्या? फाइव, उसको क्या लिखोगे? ए इंटू ए पे पावर फोर, और ए पे पावर फोर की वैल्यू कितना है? आई, तो ए इंटू आई क्या? ए। ए पे पावर सिक्स निकालो तो ए पे ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना? आई, आई का क्यूब आई। यानी कहने का मतलब ये है, अगर फोर इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? बात समझ गए होंगे समझदार बच्चे, सही है, इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स रहा तो उसके लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, ए पे पावर इवन नंबर, ए पे पावर क्या? इवन पावर, ए पे कोई इवन पावर रहा, दैट इज इक्वल टू आई, पहली बात। और दूसरी बात क्या? ए पे ऑड पावर, ए के पे क्या?
ऑड पावर दैट इज इक्वल टू ए। अगर ए पे कोई ऑड पावर रहा इन वोलेट्री में तो वो ए के इक्वल होगा, और इवन पावर रहा सही है तो आई के इक्वल होगा, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वोलेट्री के लिए, सही है, इसको भी ध्यान रखना आप, और ये तो याद ही रहेगा कि एस पावर आई के इक्वल होता है, सही है। मैट्रिक्स इन वोलेट्री रहा तो उसमें बोलोगे ए पे पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, और ए पे पावर कोई ऑड नंबर है दैट इज इक्वल टू क्या, ए के इक्वल होगा। यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है, क्लियर, मिटा रहा हूँ। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, जैसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे थोड़ा, है ना। मैं आपको बोला था चैप्टर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाता है, लेकिन ट्वेल्थ के हिसाब से बिल्कुल सीधा प्लेन चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सही है। जो ये सब टर्म्स लिखाया हूँ सीबीएसई में नहीं मिलेंगे आपको, क्लियर हो, जैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इफ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, प्रूफ दैट ए इज इनवोलेट्री, सही है, बोला गया है आई माइनस ए और ए आई प्लस ए का प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, तो आपको शो करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवोलेट्री है, सही है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई माइनस ए इंटू क्या लिखा हुआ है भाई, आई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, हाँ सर, चलो मल्टीप्लाई करो, आई इंटू आई क्या हो जाएगा सर, आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर, आई ए हो जाएगा सर, फिर क्या हो जाएगा माइनस ए आई हो जाएगा सर, फिर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सही है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि आई स्क्वायर आई पे कोई भी पावर है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई होगा, अच्छा, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है, बताया हूँ ना अभी, ए, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए, अरे माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, हेंस वी से दैट मैट्रिक्स इज क्या, इनवोलेट्री, हम लोग ये बोल सकते हैं मैट्रिक्स क्या है, इनवोलेट्री, यही तो प्रूफ करना था अपने को, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखिए, है ना, बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं अपन, कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ एक मिनट रुक जाओ, हाँ चाहिए, ए इज एन इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ये है, इफ ए इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सही है, और साथ साथ ये बोला गया है, सही है, इडेम्पो मैट्रिक्स एंड ए प्लस आई पे पावर एन एंड ए प्लस आई पे पावर एन इज इक्वल टू जो बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है आई प्लस 127 ए, आई प्लस 127 ए आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एन, किसकी वैल्यू बताओ, एन की, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है सर, फोर इडेम्पोटेंट्स के लिए वो क्या बोलते हो सर, फोर इडेम्पोटेंट्स, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में इडेम्पोटेंट ना,
इडेम्पोटेंट, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है सर, ए पे कोई भी पावर, ए पे कोई भी पावर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, सही है। हाँ अच्छा, ए प्लस आई पे पावर एन है तो क्या इसके ऊपर बायनोमियल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर, बिकॉज ए आई जो क्वेश्चन क्या आई है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का ऐसा क्वेश्चन बोला गया था, मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। चलिए ये सब कंडीशन जो रहेंगे वो मेंशन रहेंगे। गिवन क्या है, गिवन ये है ए प्लस आई पे पावर एन, ए प्लस आई पे पावर एन दैट इज इक्वल टू क्या, आई प्लस 127 ए, सही यहाँ तक, हाँ सर सही। चलिए इसे बायनोमियल लगा देते हैं, क्या लिखोगे सर, एन सी जीरो ए पे पावर एन, सही है, आई पे पावर जीरो लिखने कोई मतलब नहीं, प्लस एन सी वन ए पे पावर एन माइनस वन आई पे पावर वन, कोई मतलब नहीं, इंटू आई करोगे कोई मैट्रिक्स साथ वही मैट्रिक्स रहता है, छोड़ दो उसको, सही है। एन सी टू ए पे पावर एन माइनस टू इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आई होता है और आई को इस मैट्रिक्स साथ इंटू करोगे तो यही रहेगा, सही है। एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा एन सी एन ए पे पावर जीरो, लिखने कोई मतलब नहीं है, आई पे पावर एन वो तो आई ही होता है और आई को इंटू करने का कोई मतलब, या फिर चाहो तो आप यहाँ पे आई लिख लो अकेला मैट्रिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इजुकस टू क्या, आई प्लस 127 है। अच्छा मैट्रिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ए, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ए, सही है। ये सब जितने भी पावर है, ये पे कोई भी पावर है वो इडेम्पोटेंट के लिए क्या होता है, ए होता है, सही है, होता है ना। चलो हाँ सर, तो ए को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कहाँ तक, इसके जस्ट पहले तक ए कॉमन आएगा, आएगा हाँ सर आएगा। अब कितना हो जाएगा, ए इंटू कितना बच जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू और कहाँ तक, एन तक नहीं, एन सी एन माइनस वन तक, बिकॉज लास्ट वाले में ए नहीं है, और एन सी एन की वैल्यू कितना था, वन प्लस आई इज इक्वल टू क्या, आई प्लस 127 ए, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। अगर बायनोमियल थ्योरम आप पढ़े हो ढंग से तो इसकी वैल्यू बताया गया होगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू सो ऑन, एन सी एन तक अगर रहता रहता तो उसकी वैल्यू टू पे पावर एन होता था, लेकिन एन तक नहीं है, एन माइनस वन तक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, टू पे पावर एन और क्या माइनस वन इजुकस टू क्या 127, ये से कैंसिल हो जाएगा, हटा दो, सही है। अब टू पे पावर एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 128 इंप्लाइज, सही है, टू पे पावर एन इजुकस टू क्या, टू पे पावर सेवन, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, सेवन, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको, देख लीजिए आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लो बिल्कुल आराम से, मजे मजे में मिटा रहा हूँ भाई इसको, ठीक है। हाँ सर चलिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स में भी बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, कब, जब जो भी दोनों मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो, कॉमुलेटिव हो, तब मैट्रिक्स ऊपर क्या बायनोमियल थ्योरम लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं और, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन से पूछा गया था 2012 में, लेट ए इज इक्वल टू ए आई ट्रिपल ई 12 का क्वेश्चन है, सही है, बोला गया था लेट ए इज इक्वल टू 100 ए इज इक्वल टू 100 210 210 321 321 और बोला गया था U1 एंड U2 आर कॉलम मैट्रिक्स, U1 एंड U2 आर क्या कॉलम मैट्रिक्स, U1 और U2 क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, सही है, U1 U2 क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, और साथ साथ ये बोला जा रहा है सच दैट AU1 इज इक्वल टू ए इंटू यू वन का प्रोडक्ट दिया गया था वो था 100 एंड ए यू टू इज इक्वल टू
ये यू टू इज इक्वल टू 010 010 देन यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू व्हाट, कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सही, यहाँ तक देख लीजिए, बोला गया था ये IEEE 2012 का क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, ए की वैल्यू 100 है, 210 है, 321 है, यू वन और यू टू दो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता था, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, कॉलम मैट्रिक्स। सही है, अच्छा कॉलम मैट्रिक्स होगा तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3x3 का है, 3x क्या है, 3 का है। सही है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए जो अगला मैट्रिक्स आएगा उसका रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो जो कॉलम मैट्रिक्स अपना है उसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और एक कॉलम है। सही है, तो यू वन की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, कैसा, ऐसा क्या लिखोगे सर, लेट यू वन इज इक्वल टू कैसा, ए बी सी या ए वन बी वन सी वन लिख दो, और यू टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये 2 लिखा हुआ है, ए टू बी टू सी टू। सही है, यू वन यू टू का अज्यूम कर लिया, अब क्या लिखोगे सर, देयरफॉर ए यू वन की वैल्यू कितना दिया गया भाई, 100 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ सर, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू कितना है बच्चा, ये सर ये है 100 210 और क्या 321, और यू वन कितना है, ए वन बी वन सी वन, ये जो कस्टू क्या 100 देख लो भाई। सही है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, तो 1 into a1 a1, बाकी सब 0 हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा a1। अच्छा अगला क्या आ जाएगा, अगला हो जाएगा 2a1 प्लस b1, और उसका अगला क्या आ जाएगा सर, 3a1 प्लस 2b1 प्लस क्या c1, देख लो भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, दैट इज इक्वल टू क्या सर, ये 100 के इक्वल होगा, कंपेयर कर लो, a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2, और 2a1 प्लस b1 कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा सर, ऐसे 3a1 प्लस 2b1 प्लस c कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सर, c1 0 हो जाएगा। सही है, देख लो भाई, क्लियर। अच्छा a1 की वैल्यू कितना रख दूंगा यहाँ पे, 2, a1 कितना रख दूंगा 2, सही है, 2 जाएगा 4, तो b1 कितना जाएगा -4, b1 कितना जाएगा -4। अच्छा a1 2 रखिए, 3 2 6 होगा, अरे -4 6, 2 3 6 हो जाएगा ये वाला होगा, और ये कितना हो जाएगा -8, 6 - 8 कितना होता है -2, -2 उधर जाएगा +2, c1 की वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, क्लियर हो, देख लो भाई। सही है, देख लो अब क्या चाहिए अपने को, अब तो u1 मिल गया, a1 b1 c1 मालूम हो गया, तो अब क्या निकालोगे, u2 निकालोगे, u2 कैसे निकालोगे, नाउ क्या लिखोगे सर, ए u2 इज इक्वल टू कितना है, ये है 010 होगा सर शायद मेरे ख्याल से ना, 010, हाँ सर, क्लियर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो मल्टीप्लाई करना है आपको, ए और यू टू को मल्टीप्लाई करना है, ए कितना है 100, फिर क्या है 210, फिर क्या है 321, सही है, यही है ना, और यू टू को क्या अज्यूम किया हो, a2b2c2, और दैट इज इक्वल टू क्या 010, देख लो भाई, हाँ सर सही है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करोगे, ये हो जाएगा a2 और बाकी दोनों 0 हो जाएगा मेरे ख्याल से, सही है ना, हाँ सर ये हो जाएगा a2। अच्छा अगला कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2a2 प्लस b2, 2a2 प्लस क्या b2, और अगला क्या हो जाएगा 3a2 प्लस 2b2, 3a2 प्लस 2b2 प्लस क्या c2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 010, देख लो भाई, देख लो। सही है, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए आप कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट कर ले, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ वैल्यू, देख लो, हाँ भाई a2 कितना हो जाएगा, a2 0 होगा सर, a2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आप सुन लो 2a2 प्लस b2 कितना हो जाएगा 1, और a2 की वैल्यू कितना बोल रहे हो 0 बोल रहे हो, तो b2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b2 1 आ जाएगा, आप ध्यान देना 3a2 a2 तो 0 है ख़त्म, अच्छा b2 कितना है 1 है, तो 2 हो जाएगा, और 2 प्लस c2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो c2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, लिख लीजिए u1 क्या हो गया, u1 की वैल्यू a1 b1 c1 था, a1 b1 c1 कितना है 2 -4 2, और u2 निकाल लो भाई, u2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0 1 -2, देख लीजिए कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी सारी चीज़ें सही है। देयरफॉर आपसे क्या पूछा गया था सर, u1 प्लस u2 तो ऐड कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा -3 और ये क्या जाएगा 0, देख लो। सही है,
क्लियर हो? देख लो कहीं पे शायद लगता है कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह है, बाकी सब चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है, कैलकुलेशन फॉल्ट कहीं पे हो सकता है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी चीज़ें पूरा पूरा सही है। क्लियर? लिख लीजिए यहाँ तक।